स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस के विषय में बात करेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस हमको पढ़ने के लिए दैट इज लास्ट ऑफ में एनसीईआरटी के लेवल पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जे नीट के एग्जामिनेशन के तौर पर इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद बीएससी के एग्जाम जैसे सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए ये जे जाना है, बहुत अहम मुद्दे की बात होती है। अपने आप में बहुत अहम कॉन्सेप्ट होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो कि समझने में थोड़ा टिपिकल होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस हम ये इतना सिंपल करके बताएंगे, पूरा पूरा घोर देंगे अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस ना थोड़ा बहुत देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर टू क्लियर कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एकदम ब्रीफली में। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस मीनिंग का मतलब क्या होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस वहाँ पे तो समझ में आ जाता है, तो सिंपल है, लेकिन मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, थोड़ा टफ होता है, टिपिकल होता है, वही हम लेके आए हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीनिंग का मतलब होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इनटू मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन होना, यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना कहाँ पे, मेगा स्पोर मदर सेल में, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और वो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से बताएं, तो सबसे पहले क्या होता है, कुछ आर्किस्पोनियल सेल होती हैं, कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के द्वारा वहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल होती हैं। आर्किस्पोरियल सेल में ये क्या है आपका, दैट इज एपेक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं एपेक्स है। और ये क्या है, एपेक्स है, एपेक्स एपेक्स पेराइटल टिश्यू एपेक्स है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो ये न्यूक्लियाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज इस न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल क्या करेगा, फाइन डिवीजन करेगा, वो भी कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। यहाँ पे बहुत डिवीजन, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि आर्की स्पोरियल सेल डिवीजन इंपॉर्टेंस है, समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आर्की स्पोरियल सेल जो अपेक्स होता है, ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। फीमेल गैमेटोफाइटिक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट में हमारा मिल जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर ओव्यूल नहीं एम्ब्रियो साइट मिलेगा वही। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे आर्की स्पोरियल सेल डिवीजन करा, और मियोसिस डिवीजन करा। मियोसिस डिवीजन करने के बाद यही आर्की स्पोरियल सेल क्या करेगा कि एक से कितना होगा, दो होगा, जाहिर सी बात है मियोसिस डिवीजन के दौरान घटना देखी जा रही है। फिर क्या होगा, आर्की स्पोरियल सेल देख रहे हैं, एक से दो होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसको हम अलग नाम देंगे, आर्की स्पोरियल सेल उसको अलग नाम देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पेराइटल सेल। इसको क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल, पेराइटल, पेराइटल, पेराइटल सेल। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इनर, इनर, इनर आई डबल एन ई आर, इनर स्पोरो जीनस सेल। यानी कि एक पेराइटल सेल और एक क्या रहा, इनर स्पोरो जीनस सेल। अब क्या होगा कि जो पेराइटल सेल, जो इनर स्पोरोजेनस सेल है, जो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फाइनली फिर से डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद कुछ इस प्रकार से घटना इसमें फिनोमेना देखी जाएगी, क्या होता है कि जो डिवीजन करने के दौरान इसमें कुछ, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के दौरान दिखा रहे हैं आपको ब्रीफली में, ये डिवीजन करेगा तो ये जो प्राइमरी जो पेराइटल है ये चार आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये भी डिवीजन करेगा तो यहाँ पे ये टेट्राड कंडीशन में पाए जाएंगे। बाकी ये जो प्राइमरी पेराइटल होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल को हम फाइनली क्या बोलेंगे, फोर कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल को हम क्या बोलते हैं, पेराइटल टिश्यू, क्या बोलेंगे, पेराइटल। यानी कि पेराइटल सेल यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, पेराइटल टिश्यू में, पेराइटल टिश्यू। और यहाँ पे जो इनर आर्की स्पोरियल सेल है, आउटर पेराइटल सेल रहा, इसको हम आउटर पेराइटल सेल बोलते हैं, इसको इनर स्पोरियल सेल, इनर स्पोरियल सेल जो था यहाँ पे पेराइटल सेल किस में कन्वर्ट हुआ, पेराइटल टिश्यू में, और इनर स्पोरोजेनस सेल जो था यहाँ पे टेट्राड कंडीशन में आ गया। ये क्या है, टेट्राड कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे यन है सभी टेट्राड कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन में देख रहे हैं, टेट्राड निकली आई। यानी कि हमने फिर से एक बार इसको रिवाइज करें, सबसे पहले क्या हो रहा है कि आर्की स्पोरियल सेल है, आर्की स्पोरियल सेल मियोसिस डिवीजन कर रहा है, मियोसिस डिवीजन करने के बाद एक से दो बना रहा है, ऊपर वाले को हमने क्या बोलता है, पेराइटल सेल बोल रहे हैं, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं,
इनर स्पोरोजिनस सेल आउटर आउटर पेराइटल सेल, आउटर पेराइटल सेल किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज पेराइटल टिश्यू में, और जो आपका इनर स्पोरोजिनस सेल है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेट्राडिन कंडीशन में। फिर उसके बाद क्या होगा कि आगे कंडीशन देखी जाएगी, ये क्या होगा जो ये तो डिजनरेट हो जाएगा पेराइटल सेल, आउटर पेराइटल सेल डिजनरेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से कंडीशन हमें देखी जाएगी यहाँ पे, जो आपका वो होगा जो आपका इनर यानी कि स्पोरोजिनस सेल जो टेट्राड में था वहाँ से ये तीन न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, ओनली वन न्यूक्लियाई आपका क्या होता है, फंक्शनल होता है। ये तीन न्यूक्लियाई दे आर थ्री न्यूक्लियाई आर डिजनरेट, ये थ्री न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, दे आर वन न्यूक्लियाई आर फंक्शनल, यही क्या होता है, फंक्शनल होता है। और फाइनली फंक्शनल होने के बाद क्या होता है, जब ये न्यूक्लियाई जाहिर सी बात है फंक्शनल होगा, तो फंक्शनल होने के बाद ये न्यूक्लियाई डिवीजन करेगा। इस न्यूक्लियाई की कंडीशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं एकदम ब्रीफली में, ये तो तीन न्यूक्लियाई डिजनरेट कर रहा है, ये न्यूक्लियाई आपका यहाँ पे डिवीजन करेगा, जाहिर सी बात है डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा था, वहाँ पे मियोसिस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस फर्स्ट होगा, पहली कंडीशन माइटोसिस की देखी जाएगी, यानी कि जाहिर सी बात है उसी प्रकार से हमारा मीडियोसाइट है ना, यहाँ पे एक से क्या होगा, दो होगा माइटोसिस डिवीजन, यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट होगा, और माइटोसिस सेकेंड में क्या होगा कि न्यूक्लियाई कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा इनका, यानी कि जहाँ पे फोर यहाँ पे होंगे और फोर यहाँ पे ना, यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है, माइटोसिस फर्स्ट, यहाँ पे माइटोसिस सेकेंड, डिवीजन इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस फर्स्ट मीट माइटोसिस सेकेंड। फिर आगे चल कर क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियाई है, जहाँ पे एक न्यूक्लियाई नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक न्यूक्लियाई इधर मूव कर रहा है, दोनों सेंटर पे आ रहे हैं ना, एक न्यूक्लियाई इधर की तरफ, एक न्यूक्लियाई इधर, दोनों दो न्यूक्लियाई क्या होंगे, सेंटर पे आ जाएंगे। इसकी कंडीशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ना, दो न्यूक्लियाई क्या होगा, सेंटर पे आ गया, जिसको सेंटर को है तो सेंटर न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई ओ आर पोलर न्यूक्लियाई, बीच में है तो पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर है तो एंटी बोल देंगे, एंटी मतलब विपरीत है ना, एंटीपोडल सेल जिसको एंटीपोडल न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कवर कर दे रहे हैं एक सेल में। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस कंडीशन, यानी कि एक एग सेल होगा, जाहिर सी बात है एक एग सेल होगा, तीन यहाँ नीचे है और एक बगल बगल, इसके एग सेल को कौन प्रोटेक्ट करा होता है, दैट इज यहाँ पे एक एक यहाँ पे, और वो भी कौन है, सिनर्जिट, यानी कि टू क्या है, ये दोनों क्या है, सिनर्जिट सेल है ये दोनों, और ये आपका क्या है, एग सेल है, और ये क्या है, सेंटर में है, सेंट्रल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई, और ऊपर की तरफ इसके विपरीत जो है एंटीपोलर सेल है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल तौर पे यहाँ पे और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं फिलिफार्म अपरेटस, यहाँ पे इस तरीके से लगे होते हैं जिसको बोलते हैं फिलिफार्म अपरेटस होते हैं, और फिलिफार्म अपरेटस ये हेल्प करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन में हेल्प करा होता है। फाइनली हम डिस्कस कर रहे थे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में हो गया। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी मेगा स्पोर के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, माइक्रोस्पोर का इंतजार होता है, माइक्रोस्पोर यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए, वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि पोलन पी मीटर करा होता है किसके द्वारा, माइक्रोपाइलेरी के द्वारा, कई प्रकार के चलाजोगेमी और माइक्रोपाइलेरोगेमी एक्सेट्रा होते हैं, यहाँ पे माइक्रोपाइल के द्वारा क्या करा होता है, इंटर करा होता है, इस कंडीशन में दिखा रहे हैं। पोलन ट्यूब में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाता है, दो न्यूक्लियाई बचता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई, एक क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, जनरेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज करा होता है एक से, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज करता है किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। जो पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही जाहिर सी बात है 2n है, एक न्यूक्लियाई और फ्यूज करता है तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, यानी कि टेट्राप्लॉय ट्रिपल फिजियन जिसको बोल देते हैं, और यहाँ पे आपका एक सेल से फ्यूज करता है, ये ट्यूबेल होगा। लास्ट में क्या होता है कि ये जो एंटीपोडल सेल है डिजनरेट हो जाता है, ये भी डिजनरेट होने के बाद ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये आपका एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करता है ना, और ये जो एक सेल है सीड का फॉर्मेशन करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, सीड को। नॉर्मल तौर पर जैसे शिमी वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब पी प्लांट से, ये सब पूरा पी प्लांट का एग्जाम्पल ले, वहाँ पे एम्ब्रियोसाइट पूरा ब्रीफली में दिखेगा। यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करी, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे क्या क्या पूरी प्रक्रिया हो रही है। सबसे पहले एक बार पूरा रिवाइज करें तो क्या हो रहा था कि सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस का हमने डिफिनीशन बताया, मेगा स्पोरोजेनेसिस का क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का बताया कि दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर ड्यू टू द मेगा स्पोर मदर सेल ना, इन टू द मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस।
फिर उसके बाद हमने इसमें बताया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार से फॉर्म होगा, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे। फाइनली हमने डायग्राम के माध्यम से इसमें ब्रीफली में डिस्कस करा। सबसे पहले क्या हुआ कि उस पैरेन्काइमेट्रस सेल थी उसमें आर्किस्पोरियल सेल थी। आर्किस्पोरियल सेल क्या करने के बाद एक से क्या बनाई, दो बनाई, वहाँ पर मियोसिस डिवीजन देखा गया। एक से दो बनाई तो ऊपर वाली कंडीशन को हमने क्या बोला, दैट इज पेराइटल ना आउटर पेराइटल सेल, और नीचे वाले न्यूक्लियाई को क्या बोला, दैट इज क्या बोला था, इनर स्पोरोजिनस सेल। इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर पेराइटल सेल आगे चल करके फाइनली फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो इनर स्पोरोजिनस सेल होगा वो टेटार कंडीशन देखा जाएगा, और जो आपका वहाँ पे आउटर पेराइटल सेल होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, पेराइटल टिश्यू में। फिर उसके बाद क्या होता है कि आगे चल करके ये जो टेटार कंडीशन देखी गई थी दैट इज इनर स्पोरोजिनस सेल में, ये इनर स्पोरोजिनस सेल फाइनली फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन वहाँ पे जो पेराइटल सेल जो होगा, पेराइटल टिश्यू होगा वो डिजनरेट हो जाएगा, और जो वहाँ पे टेट्राड कंडीशन देखी गई वहाँ से तीन न्यूक्लियर डिजनरेट होंगे। डिजनरेट होने का ओनली वन न्यूक्लियर फंक्शन होगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। क्या होगा, तीन न्यूक्लियर डिजनरेट हो जाएगा, वन न्यूक्लियर आपका फॉर्म होगा, वन न्यूक्लियर से क्या होगा, डिवीजन होगा। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, इंपॉर्टेंस है, बार बार बता रहे हैं यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा। एक से कितना होगा, दो होगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, तो आगे चल के आप जान ही रहे हैं मेगोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आगे चलते तो क्या हो जाएगा, फिर से एट फोर न्यूक्लियर, फोर यहाँ नीचे, फिर दोनों दोनों क्या करेंगे, सेंट्रल मूव करेंगे, जिसको जो सेंट्रल न्यूक्लियर आ जा रहा है उसको हम बोलते हैं दैट इज सेंट्रल न्यूक्लियर। ये भी अकेले से अपने से फ्यूज करके ट्यूजन बना ले रहा है, बाकी ये क्या है, प्लाइड है और एनर्जिक सेल है, एंटीपोडल सेल है। ये पूरी प्रक्रिया रहे इसके विषय में फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।